हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अम्ब्रेला स्कर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ ऑफ स्कर्ट एक्सक्लूडिंग बेल्ट 39 इंच, वेस्ट 31 इंच। तो सबसे पहले ये मेरा कपड़ा है जो लगभग 2.5 मीटर है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा है, यानी कि ये कपड़ा हमारा 2 लेयर्स में है। तो यहाँ से 1 कॉर्नर से सबसे पहले हम इंच टेप को रखेंगे और कमर का हाफ का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 31 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 15.5 इंच। इसके आगे हम लेंथ में 39 + 2 इंच का मार्क लगाएंगे। 39 + 2 इंच हो जाएगा 41 इंच। तो ये 41 इंच पूरा है। अब हम इस कॉर्नर से जितना ये हमने निशान लगाया 15.5, ऑपोजिट साइड में भी 15.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस कॉर्नर को इंच टेप को रखते हुए ऐसे 15.5 इंच के निशान लगा करके ये राउंड शेप देंगे इस प्रकार से। अब इस राउंड शेप से हम जितना हमने ये मार्क किया, यानी कि 41 इंच, ऐसे राउंड शेप में ऐसे रख करके 41 इंच का निशान लगा करके ये राउंड शेप भी लगाएंगे इस प्रकार से। मैं ये राउंड शेप आगे तक कंप्लीट करके आगे आपको जॉइंट आएगा वो जॉइंट लगाना बताती हूँ। ये हमारी अम्ब्रेला स्कर्ट की 2 रोटेशंस हैं। ये हमारी वेस्ट की रोटेशन है और ये हमारी बॉटम लेंथ की रोटेशन है। लेकिन वहां पर हमारा कपड़ा कम रह गया है, तो पहले हम इन 2 रोटेशंस की कटिंग करेंगे, बाद में रिमेनिंग कपड़े को उधर रख करके जॉइंट लगाएंगे। मैं ये कटिंग करने के बाद आगे नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। कटिंग करने के बाद ये हमारा रिमेनिंग फैब्रिक है। अब हम इसको इसके नीचे 1/2 इंच ऐसे रखेंगे ताकि ये हम स्टिचिंग कर सके। अब ऐसे निशान लेकर के यहां से 41 इंच का मार्क लगाएंगे और ऐसे इसकी भी कर्विंग देंगे। ये मैं कर्विंग देने के बाद आपको इसकी ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ। इस प्रकार
ये हमारी कर्विंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इस जॉइंट की कटिंग कर देंगे। और यहां से इस जॉइंट की भी कटिंग कर देंगे। ये हो गई हमारी अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग। अब इसी प्रकार हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे और रिमेनिंग फैब्रिक से बेल्ट बनाएंगे। लेकिन बेल्ट बनाने से पहले हम इसमें प्लेट इंसर्ट करेंगे फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। फ्रंट पार्ट में प्लेट्स इंसर्ट करने के बाद मैं आपको इसकी बेल्ट कटिंग बताऊंगी। स्टिचिंग में सबसे पहले हम ये जॉइंट जॉइंट करेंगे। इसको सबसे पहले राइट साइड को राइट साइड से मैच करते हुए यहां से टॉप से यहां तक सिलेंगे और बाद में इस पर प्रेस स्टिचिंग भी करेंगे। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। फैब्रिक को जॉइंट करने के बाद अब हम एक पीस लेंगे और इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करके इसमें प्लेट इंसर्ट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस बनेगा। फ्रंट पार्ट को टू लेयर्स में फोल्ड करने के बाद हम ओपन पार्ट से 1 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हमारी स्टिचिंग के लिए निशान है। उसके बाद हम यहाँ से क्लोज पार्ट तक इसको मेजर करेंगे और अपने वेस्ट का 1/4 इंच लेंगे। पहले हमारी वेस्ट है 31, उसका 1/4 हो जाएगा 7.75 इंच। तो ये बाकी जितना बचा हुआ है ये हमारे प्लेट के लिए कपड़ा है। तो प्लेट डालने के लिए ये लगभग 3.14 इंच का कपड़ा है। इसमें हम 4 प्लेट्स डालेंगे, 2 इस साइड और 2 ऑपोजिट साइड में। तो सबसे पहले हम प्लेट के लिए यहाँ से क्लोज पार्ट से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और ये 3 1/4 इंच का हम हाफ कर देंगे, जो लगभग 1.5 से 1 पॉइंट ऊपर आएगा। तो यहाँ निशान लगाएंगे, ये हमारा एक प्लेट बन जाएगा। उसके बाद इस निशान से दोबारा 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और दोबारा 1.5 से 1 पॉइंट ऊपर एक और निशान लगाएंगे। ये हमारा दूसरा प्लेट बनेगा। अब हम इन दोनों प्लेट्स का सेंटर निकालेंगे। और यहां से हम 5 से 6 इंच लंबा एक प्लेट डालेंगे। ऐसे लाइन लगाएंगे इसको और इस प्रकार इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इस प्रकार ये हम 4 प्लेट्स बना लेंगे। ये प्लेट्स हम रॉन्ग साइड डालते हैं। इसको इस प्रकार करेंगे, ऐसे लेके इसको टैप कर देते हैं। ये चारों प्लेट्स डालने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। रॉन्ग साइड में डार्ट्स या प्लेट्स डालने के बाद ये राइट साइड में इस प्रकार दिखाई देंगे। अब हम रॉन्ग के साथ रॉन्ग
लाइनिंग को वेस्ट पार्ट में इस प्रकार स्टिच करेंगे, यहां से ऐसे मिला करके यहां तक सिंपली इसको स्टिच करेंगे। और फिर बाद में इसी प्रकार हम बैक पीस में भी लाइनिंग को स्टिच करेंगे और उसके बाद बैक पीस में हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। फ्रंट और बैक पीस में लाइनिंग जॉइन करने के बाद अब हम अपना बैक पीस लेंगे और उसकी वेस्ट पार्ट मेजर करेंगे। ये लगभग 25 इंच आया है, तो 25 इंच विड्थ में और 4 इंच लेंथ में हम इस रिमेनिंग कपड़े से वेस्ट बैंड तैयार करेंगे और इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक हम हाफ वेस्ट से 3-4 इंच कम काटेंगे और उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इलास्टिक इंसर्ट करना मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो ये इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। बैक पार्ट में इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद अब हम फ्रंट पीस लेंगे और उसकी ये वेस्ट पार्ट मेजर करेंगे और इसके बराबर बेल्ट रोल कट करेंगे और रिमेनिंग फैब्रिक पर इसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। बेल्ट को फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद अब हम अपने स्कर्ट की रॉन्ग साइड और इसकी राइट साइड लेकर के ऐसे यहां पर स्टिच करेंगे। रॉन्ग साइड में अपनी बेल्ट सिलने के बाद अब हम इसको इस प्रकार राइट साइड में लेके आएंगे और ये फैब्रिक को फोल्ड करके और इसको इस प्रकार अंदर फोल्ड करके इसकी बेल्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर स्टिचिंग करके बेल्ट तैयार करने के बाद अब हम राइट टू राइट मैच करके फ्रंट और बैक पीस सिलेंगे। इस प्रकार से कुछ दूर तक हम लाइनिंग के कपड़े को मेन फैब्रिक के साथ इकट्ठा सिलेंगे, उसके बाद हम लाइनिंग को अलग निकालेंगे और मेन फैब्रिक को सिलेंगे और बाद में लाइनिंग सिलेंगे। ये मैंने साड़ी में से घाघरा कैसे बनाते हैं उसमें आपको बता रखा है और शरारा कैसे बनाते हैं उसमें बता रखा है। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। साइड की स्टिचिंग करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ तक हमारा इकट्ठा स्टिच हुआ हुआ है, उसके बाद ये सेपरेट स्टिचिंग है। उसके बाद हम बॉटम में लाइनिंग के कपड़े को भी फोल्ड कर देंगे और इसको सीधी तरफ लेके जाएंगे। अब हम टॉप से अपने रिक्वायर्ड लेंथ पर मार्क लगाएंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हो। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।